नमस्ते दोस्तों, मार्बल फ्लोरिंग जितेंद्र शर्मा में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कल मैंने आपको बोला था कि मेरा नया चैनल है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जितेंद्र शर्मा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपने किया, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उस चैनल पर भी बहुत सारे आपको मेरे वीडियो देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी देता रहूँगा मुझसे। और अब चालू करते हैं आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको, कि आप इजीली जब ये मार्बल का काम कर रहे हैं, क्योंकि मार्बल के काम में अब बहुत ही टाइट होता चला जा रहा है लेबर का मामला, इसीलिए मैं आपको और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको आप करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कुछ काम लेते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हैं और विद मटेरियल भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको पहले जानकारी होनी चाहिए कि अगर मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जा रहा हूँ तो लोहा कितना लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, कंक्रीट कितना लगेगा, तो उसके हिसाब से ही आप प्रॉफिट निकालना सीख जाएंगे। तो मैं ऐसे ऐसे टिप्स बता देता हूँ आपको। आज जो मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर आप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट में लेते हैं तो स्टील कितना लगता है, सबसे पहली बात। और जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको देसी कैलकुलेशन बताऊँगा जो कि मैं हमेशा किसी साइड पे जाके नोट करता हूँ कि इस बिल्डिंग में इतना स्टील लगा, तो उसी एवरेज के हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे आपने बेस और एक छत आपको बनानी है, एरिया मान लीजिए 1000 फीट का एरिया है, तो सीधा आपको एक सेकंड में ही आपको उसको 2 kg से आप गुणा कर लें। जैसे 1000 फीट की छत है, इंटू 2 kg, 2000 किलो आपका लोहा हो गया और 2 टन हो गया। 2000 किलो का मतलब 2 टन हो गया। और भी मैं पेपर में समझा दूंगा आपको, तो एकदम आपका आइडिया हो गया। अगर 1000 फीट का कोई कंस्ट्रक्शन आया है, 2 से मल्टीप्लाई करके आप स्टील निकाल सकते हैं। अगर 1500 को आया है तो भी आप 2 किलो से गुणा करके आप इजीली निकाल सकते हैं। जैसे 1500 का गया, 1500 × 2 3000 किलो, तो 3 टन हो गया। अगर मार्केट में कोई भी जैसे 3000 टन आया, सॉरी 3000 किलो आया, तो समझ लीजिए उसकी रेट 50 रुपये है, तो कितना हो गया, 1.5 लाख हो गया। तो इस तरीके से इजीली आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। और इसमें मैं आपको ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर 3 आइटम का बताऊंगा। फर्स्ट फ्लोर में थोड़ा लोहा कम लगेगा तो आप इजीली निकाल सकते हैं। और खाली छत में छत ही लेना आपको, कहीं छत बनानी है जैसे खाली छत ही डालना है किसी को, तो उसमें कितना लोहा लगेगा, उसमें लगेगा आपको 100 फीट में 80 kg लोहा लगता है। तो 1 फीट में जो आएगा वो आपको 800 ग्राम आएगा। चलिए मैं अब आपको पेपर में समझा देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं 1000 फीट में स्टील कितना लगेगा, एक फ्लोर का मैं बता रहा हूँ। अगर आप एक फ्लोर बनाते हैं तो आप कैसे निकालेंगे, आपने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो 1000 फीट का, तो फर्स्ट फ्लोर एक फ्लोर में बेस, पिलर, डीपीसी, सीलिंग, उनका एवरेज निकाला मैंने कोई फॉर्मूले से नहीं निकाला हुआ है, ये आपकी सुविधा के लिए निकाला है ताकि आप एक सेकंड में पता चल सके कि स्टील कितना लगेगा। जैसे लेते हैं फर्स्ट में 1000 फीट में 2 kg आपका लोहा आ गया, तो 2000 kg हो गया, तो ये 1000 का 1 टन मानते हैं, तो ये 2 टन लोहा हो गया। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर भी 1000 फीट का आया, इसमें लोहा का जो एवरेज आया हमारा 1.75 kg यानी 1.25 किलो, तो 1750 आ गया। अब जैसे जैसे आप चलेंगे ऊपर, जैसे 3 फ्लोर बनाने हैं तो 3 फ्लोर ये हो गए, ये जो आपका बेस और ग्राउंड जो आएगा वो 2 kg से मल्टीप्लाई कर देना आप, और फर्स्ट फ्लोर आए 1.25, सेकेंड फ्लोर आए 1.25, तो इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आप खुद ही निकाल पाएंगे ये लोहा कितना आ रहा हमारे घर में, कितना लगेगा। तो एक मैं आपके आइडिया के लिए वीडियो बनाया हूँ। जैसे आपको कहीं पे भी छत, खाली छत का भी लेना है कि मेरे को छत ही डालनी है, तो अगर छत ही आपको डालनी है तो आपको 100 फीट एरिया में 80 किलो लोहा लगता है और 1 फीट में 800 ग्राम। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।